नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। भले ही ये दावा किया जा रहा हो कि नीट के प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है और पटना पुलिस ने जो सबूत इकट्ठे किए हैं और उस समय के जो सरकमस्टांसेज हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो साफ साफ ये कह रही हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो प्रश्न पत्र जब लीक हुआ है तो इसको मानने में दिक्कत क्या है, ये भी बात है। अब देखिए, पटना पुलिस के पास जो जानकारी मिली कि जिस दिन नीट की परीक्षा थी, 5 मई 2024 को रविवार का दिन था, और उस दिन पूरे देश में नीट की परीक्षा NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के पास होने के बाद अभ्यर्थियों को MBBS में एडमिशन मिलता है डॉक्टरी के लिए। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि पटना पुलिस को कहीं से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की डस्टर कार परीक्षा केंद्र के इर्द गिर्द घूम रही है, और केवल एक परीक्षा केंद्र पर नहीं, कई परीक्षा केंद्रों पर जहां जहां नीट की परीक्षाएं हो रही थी। तो इसकी सूचना पटना पुलिस को किसी ने दी गुप्त रूप से। पटना पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया। वो गाड़ी डस्टर जो है सफेद रंग की, जिसका नंबर था JH018W0019, झारखंड नंबर की ये गाड़ी जब निकली तो पटना पुलिस ने उसे बेली रोड पर रोक लिया और उसकी चेकिंग होने लगी। इस गाड़ी के बारे में पहले से ही सूचना थी, संदिग्ध गतिविधियां लग रही थी। तो देखा गया कि उसमें 3 लोग सवार थे। तीनों से पूछताछ की गई, गाड़ी की तलाशी ली गई, तो गाड़ी में 4 एडमिट कार्ड के फोटो कॉपी मिले नीट के परीक्षा के, जिनका सेंटर पटना में ही था। और ज़्यादा जब पूछताछ हुई, हाँ, जांच में एक iPhone 15 भी मिला, वन प्लस का एक फ़ोन भी मिला, और सारी कागजात भी मिले, लेकिन जब पूछताछ हुई उनसे तो सिकंदर यादवेंदु नाम का जो एक व्यक्ति है था जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने बताया कि ये 4 लोग परीक्षा दे रहे हैं और इनको जो है कल रात में, यानी कि 4 मई की रात में, एक स्कूल है रामकृष्ण नगर में, लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न बॉयज प्ले स्कूल करके, उस स्कूल में इनको रात भर रखा गया, प्रश्न और उत्तर को रटाया गया और सुबह ये लोग परीक्षा देने आए। उसने ये भी बताया कि जो लोग इस सेटिंग में शामिल थे उनका भी नाम बताया। सेटिंग में जो लोग थे शामिल उनका नाम भी हम बता सकते हैं आपको, जिसमें संजीव सिंह, रॉकी, नीतीश, अमित आनंद, जैसे तमाम लोगों का नाम आया। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, 3 अभिभावक भी गिरफ्तार हुए, कुल 13 लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में पटना पुलिस। और जब उस स्कूल पर छापा मारा गया, लर्न बॉयज हॉस्टल जो था रामकृष्ण नगर में, तो वहाँ पर कुछ अधजले प्रश्न पत्र भी कुछ प्राप्त हुए। सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ये मामला जो है आर्थिक अपराध इकाई को चला गया। आर्थिक अपराध इकाई ने कुछ बिंदु बनाकर NTA से जवाब चाहा कि आखिर ये जो लोग पकड़े गए हैं और प्रश्न पत्र जो कहा जा रहा है कि लीक हो गया, इसकी जानकारी भी आर्थिक अपराध इकाई ने NTA को दी और उनसे भी जानकारी मांगी, लेकिन काफ़ी समय तक NTA से कोई जानकारी उनको उपलब्ध नहीं हो पाई। अभी बुधवार को NTA की तरफ से जो जवाब आया वो भी आधा अधूरा था, तो कहीं से उनको NTA को नहीं लग रहा है कि ये प्रश्न पत्र कहीं लीक हुआ है, जबकि हकीकत ये है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है,
जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने साफ कहा है कि जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसी प्रश्न पत्र का उत्तर रटाया गया था उस स्कूल में। और ये केवल बिहार में ही नहीं हुआ है, कई और स्टेट में भी हुआ है, क्योंकि जो संगठित गिरोह है ये एक ऐसा मतलब सॉल्वर गिरोह चल रहा है पूरे देश में, जिसमें बिहार की सहभागिता भी जरूर रहती है, बात भी जान लीजिए आप। किसी भी कोई भी परीक्षा हो उसके प्रश्न पत्र लीक करने में ये माहिर होते हैं। और जाहिर है कि ये प्रश्न पत्र जो लीक कराते हैं इसके पीछे उस संस्था की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। सब कुछ फुल प्रूफ करने के बावजूद, फुल प्रूफ होने का दावा करने के बावजूद प्रश्न पत्र कैसे लीक हो रहा है इसकी जांच कोई सरकार नहीं कराती है। वो पकड़ती है सॉल्वर गैंग को, गैंग वाले पकड़े जाते हैं फिर छूट जाते हैं, फिर दूसरी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करते हैं। इसमें भी जो नाम आ रहे हैं उन्होंने टीचर्स वाले में जो BPSC का था उसमें प्रश्न पत्र लीक किया था उन्होंने। तो ये जो मामला है कि भाई आप जिस जो संस्था आप बनाते हैं परीक्षाओं के लिए उसके अंदर क्यों नहीं झांकते, और सरकार भी क्या करती है डिफेंड करने लगती है अपनी एजेंसी को, अपनी संस्था को कि नहीं नहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब ठीक है मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रेस मार्च दिया था जिन छात्रों को समय कम मिलने की वजह से, तो उनका ग्रेस मार्च रद्द कर दिया है, 23 जून को अगली परीक्षा होगी। लेकिन फिर भी नीट जैसे परीक्षा में इस प्रकार से, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी MBBS की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ करते थे। आपको याद होगा 2004 में तो काफ़ी हंगामा भी हुआ था, उस साल एक फिल्म भी आई थी मुन्ना भाई MBBS, और बिहार में भी कई लोग गिरफ्तार हुए थे, रंजीत डॉन का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं व्यवस्था के अंदर ही दोष है, व्यवस्था में जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत है। अब आर्थिक अपराध इकाई बिहार ने जो भी जानकारी मांगी कि भाई इस परीक्षा में कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्व हैं, प्रश्न पत्र को कहाँ छपाया गया, बहुत सारी जानकारी चाहिए थी, तो NTA ने ये जानकारी नहीं दी है। तो आखिर क्यों नहीं दी है? दूसरी बात ये है कि आप देखिए जो परीक्षा हुई उस समय देश में किसी की सरकार नहीं थी, एक तरह से कहा जाए तो सारे लोग चुनाव में लगे हुए थे। 5 मई को परीक्षा होती है, और रिजल्ट किस दिन निकलता है? 4 जून को, जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आ रहा है। किसको ध्यान होगा कि नीट की परीक्षा में क्या, यहाँ देश का मामला था। फिर धीरे धीरे जब मामला खुलता गया, जब पता चला कि एक ही सेंटर पर बहुत सारे टॉपर हो गए, एक ही सेंटर पर एक ही जैसे नंबर आने लगे, तो इस तरह की बातें जब सामने आने लगी तब मामला ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है। लेकिन सरकार को चाहिए कि अपने संस्थान के अंदर भी झांकें, डिफेंड करने के बजाय बेहतर है कि उनकी खामियों को दूर करें, और जो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से हो रहा है उस पर रोकथाम लगाए, क्योंकि बहुत सारा पैसा है इसमें, लोग लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हैं पैसा देकर डॉक्टर बनने के लिए। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस पर कड़ाई से, और ऐसा कोई फुल प्रूफ कुछ बने, संस्थाएं बने जिसमें आगे से कोई गड़बड़ी ना हो, इसका इंतजाम हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान किसको होता है? जो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से परीक्षा पास करना चाहते हैं और अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के दम पे इस पेशे को अपनाना चाहते हैं और मरीजों के जीवन को खतरे में डालना चाहते हैं, मुन्ना भाई MBBS की तरह। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक बात कहेंगे कि बिहार ही क्यों हर बार प्रश्न पत्र कहीं भी लीक हो, कोई भी परीक्षा हो उसमें बिहार के ही संगठित गिरोह या गिरोह में लोग बिहार के ही क्यों शामिल होते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। धन्यवाद।